बत्ताकोला क्षेत्र संख्या 9 के राजापुर लोडिंग पॉइंट 8 महीने बाद चालू होते ही मजदूरों में दहशत का माहौल बन गया। बता दें कि गुरुवार के अहले सुबह करीब 8:30 बजे बाइक पर सवार नकाबपोश अपराधियों ने राजापुर लोडिंग पॉइंट पर दहशत फैलाने के मकसद से 2 ट्रकों पर पत्थरबाजी और गोली चलाई। झड़िया थाना क्षेत्र के राजापुर प्रोजेक्ट के लोडिंग पॉइंट पर बाइक सवार अज्ञात लोगों ने कोयले से लोड 2 ट्रक पर फायरिंग कर भाग निकले। वहीं घटना की सूचना पाकर सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार, झड़िया थाना प्रभारी पंकज झा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर साथ ही घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। इस संबंध में सिंदरी डीएसपी अभिषेक कुमार ने बताया कि गोली चलाने की सूचना मिली थी। घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। लोडिंग पॉइंट के मजदूर दिनेश चौहान ने बताया कि 5 बाइक पर सवार करीब 10 संख्या में लोग पहुंचे थे। सभी लोग नकाबपोश में थे, किसी का चेहरा नहीं दिखाई दिया। क्या कुछ बरामद हुआ और क्या चल रही है? अभी जैसे कि हमने बताया कि गोलीबारी चली है, गोलीबारी चलने की सूचना हम लोगों को प्राप्त की। जैसे ही प्राप्त हुई यहाँ पे आया है और जाँच के क्रम में एक मौका मिला है, ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसके द्वारा किया होगा। 8 माह के बाद लोडिंग पॉइंट चालू हुआ है तो मजदूरों के बीच कहीं दहशत भी है? नहीं, कोई दहशत ठीक है, थोड़ा सा दहशत हो जाता है, बट हम लोग इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। जो इस घटना को अंजाम दिया है जब कल क्या कुछ हुआ? अभी यहाँ सुबह में 8:30-9 बजे के बीच में 5 मोटरसाइकिल से नाकाबपोश लोग आए मोटरसाइकिल से और गोली और पत्थर चलाकर 2 गाड़ी का शीशा तोड़ चुका और धमकी देकर गया यही कि साले लोग यहाँ से भागो, ट्रक लोड नहीं होगा। जो कि 8 महीना के बाद हम लोग को कुलियरी चालू हुआ। यहाँ को मजदूर लोग सब खुशी खुशी लोड करने के लिए आए थे और लोड कर भी रहे थे, लेकिन टोटल लोगों लोग हड़कंप मचाकर फायरिंग किया, गोली चलाया और यहाँ से लौट गए। कौन लोग थे? वो लोग नकाब पहने हुए थे, हम लोग नहीं पहचान पाए। मोटरसाइकिल से आए थे, 5 मोटरसाइकिल में करीब हाँ करीब 10 लोग उन लोग थे और उन लोग 2 गाड़ी का शीशा फोड़े और ड्राइवर को भी धमकी दिया कि यहाँ से गाड़ी लेकर भागो, गाड़ी लोड नहीं होगी। आज जो घटना मजदूर लोग खदेड़ कर नीचे भागा थे। आज जो घटना घटी है तो आप लोग में दहशत, मजदूरों में दहशत बन गया होगा? मजदूरों लोग के एक झूठ होकर मजदूर लोग फिर डंप में देखे कि उन लोग तब तक जा। अभी प्रशासन आए तो क्या? उसके बाद प्रशासन यहाँ आकर मजदूर लोग से भी पूछे, यहाँ का प्रशासन भी हमको अच्छा लगा और उन लोग गोली चलाए थे, गोली का कुछ मिला सामान भी, मतलब पोखा मिला। उस बाद प्रशासन लोग बोले कि तुम लोग नाम क्या हुआ आपका? जी दिनेश चौहान। अब किस तरह से आप लोग काम करेंगे जबकि ये 8 महीने के बाद? जिस तरह से हम लोग पहली बात हम लोग गाड़ी लोड करते थे खुशी खुशी, हम लोग उसी तरह हम लोग चाहते हैं। पता नहीं लोग कहाँ से आए नकाब पहन कर, लोग पहचान